जहन पे अब जो चलिए देखते हैं मैथ्स के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिसमें कहा गया है कि यदि ए अनुपात बी बराबर तीन अनुपात चार, बी अनुपात सी बराबर पांच अनुपात सात तथा सी अनुपात डी बराबर आठ अनुपात नौ हो तो ए अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, आप क्या करिए, ए अनुपात बी दिया है ए बटे बी और ये आपका है बी अपॉन सी और ये है सी अपॉन डी, इस प्रकार से लिख लीजिए और जैसे आपने इनका गुना किया है वैसे ही संख्यात्मक मान का भी कर लीजिए, तीन बटे चार गुने में पांच बटे सात और गुने में आठ बटे नौ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी हो गया और बचा क्या है ए अपॉन बी। अब इसको सरल करिए, चार एकम चार, चार गुने आठ हो गया, तीन एकम तीन, तीन तीन नौ हो गया, अब यह पांच गुने दस और सात यहाँ इक्कीस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए रेशियो डी बराबर कितना आ गया, दस अनुपात इक्कीस, इसका मीन्स आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया।